ग्रेटर नोएडा के दादरी के अखलाक हत्या का मामला एक बार फिर सियासत में उलझता हुआ जा रहा है। यहाँ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में अखलाक के घर में मिले मीट में बीफ की पुष्टि हो चुकी है। और हम आपको ये भी बता दें कि पहले यूपी सरकार की रिपोर्ट में सैंपल बकरी के मांस का बताया गया था, जो अब झूठी साबित हुई है। वहीं इस नए दावे के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर होकर रहेगी। अखिलेश ने अंबेडकर नगर में कहा कि अखलाक की हत्या हुई है, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, किसके फ्रिज में क्या रखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अखलाक के परिवार से मुआवजा और फ्लैट वापस करने की मांग कर दी है। अगर आपने अखबार ठीक से पढ़ा होगा तो डीजीपी का भी बयान आया है कि आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था। उसके घर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके कोई आपत्ति करे, फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नज़र है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को, उस परिवार की हत्या हुई है उसके बीच और दुनिया में। मैं समझता हूँ बहस उस समय भी छिड़ी थी जब हत्या हुई थी, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ इन विवादों से दूर रहना चाहिए।